छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने इस देश में सामाजिक और आर्थिक जो जितनी भी विषमताएं थी वो विषमता मिटाने के लिए काम किया। जिसके पास पैसा नहीं था उसको पैसा देकर उसको सबल बनाया, उसको वो सोर्सेस दिए, निर्माण करके दिए। जिसको सामाजिक अधिकार नहीं थे किसी भी तरह के, वो अधिकार उसको प्रदान किए। महिलाओं के साथ जो मानसिक गुलामी या फिर पुरुष प्रधान संस्कृति के चलते जो पुरुषों के मन में एक भाव था महिलाओं के प्रति, उस भाव को नष्ट करने का काम किया। इतना ही नहीं तो सख्त कानून बनाकर उस कानून का अमल करने के लिए अपने प्रजा को कहा। उन्होंने उद्योग को बढ़ावा दिया, उन्होंने खेती को बढ़ावा दिया, खेती में सुधार करने के लिए उन्होंने कई सारे काम किए, जिसमें राधानगरी डैम जो है वहाँ पर कोल्हापुर संस्थान में वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि कोल्हापुर में 2 साल अगर बारिश नहीं हुई तो भी वहाँ की खेती जो है वो उग सकती है। तो ये केवल और केवल छत्रपति शाहू महाराज की नीतियों का असर है। उद्योग के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने उस वक्त एक शहर का निर्माण किया। इस देश में चंडीगढ़ के नाम से पहली जो है प्री प्लान सिटी हमें बताई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली प्री प्लान सिटी जो है कोल्हापुर संस्थान में जयसिंहपुर नाम का शहर है, वो छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने प्री प्लान किया, उसको शहर को बसाया व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरह से इस देश की जो सामाजिक और आर्थिक विषमता थी उसको नष्ट करने का काम शाहू महाराज ने किया। कोल्हापुर संस्थान, ये जो संस्थान है, राजा महाराजों का संस्थान है, फ्यूडल लॉर्ड्स का जो संस्थान है, उसमें शाहू महाराज की जो राजनीति और व्यवस्थापन थी वो सबसे अलग है, इंडिया में पूरे हिंदुस्तान में सबसे अलग वाली है। तो उनसे पहले उससे पहले वो उन उसके बारे में अगर बात करनी है तो सभी जगह, जैसे ही हिंदुस्तान में या भारत देश में, भारतवर्ष में जो सामाजिक स्थितियाँ थी उसके अलग कोई स्थिति यहाँ पर नहीं थी। वही जो है धर्म का प्राबल्य, हिंदू धर्म का प्राबल्य था और जाति व्यवस्था भी थी। लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र में जब शिवाजी महाराज हुए और शिवाजी महाराज की ये जो संतान है जिनको हम शाहू महाराज कहते हैं, तो वो संतान शिवाजी महाराज की राजनीतियों से प्रेरित होकर यहाँ तक आई हुई है, ये महाराष्ट्र का सम्मान है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में अगर बात करनी है आपके सामने, तो सामाजिक स्थितियाँ तो जाति व्यवस्था पे निर्भरित थी, धर्म पे निर्भरित थी। यहाँ पे धर्म के जो रूल्स, कानून थे उसी के मुताबिक ये इसमें चलती थी। और इसका बहुत ज़्यादा असर जो कमकुवत लोग हैं, समाज के जो बहुजन वर्ग है उसके ऊपर होता था। जो बड़े लोग हैं और जो भी श्रीमंत अमीर लोग हैं उनको तो उसकी कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जाति के आधार पे जो भी यहाँ पे चलता था, या व्यवसाय है, इंडस्ट्री है, खेती है, या एजुकेशन है, समाज कार्य है, ये जाति के आधार पे जब चलता था तो उसमें बहुत ही बुरी हालत थी वो पिछड़े वर्गों की। तो इसका असर तो सभी जगह हुआ, इस संस्थान में भी था, पश्चिम महाराष्ट्र में भी था। यहाँ पे तो पूरा ये कोकण एरिया, पश्चिम महाराष्ट्र का जो लोकेशन है, ये इसमें यहाँ कोल्हापुर में पर्टिकुलरली, ये कोल्हापुर में जो धर्म के आधार स्तंभ थे, यहाँ भी जगत गुरु शंकराचार्य का पीठ था उस समय, और उसके बाद वो पीठ था उसके मुताबिक यहाँ कोल्हापुर संस्थान में वो सारी बातें, सामाजिक बातें चलती थी। लेकिन ज्योतिराव फुले का जो कार्य था सत्यशोधक का, उसका असर थोड़े थोड़े होते होते पश्चिम महाराष्ट्र में आया हुआ था। और जब शाहू महाराज को पता चला कि ये वो बड़े गाढ़े, वो अभ्यासक थे, विद्वान थे, शाहू महाराज जैसे ही वो अपने गद्दी पे आ गए, उनका जन्म तो 1874 में हुआ, फिर उसके बाद उनका करोनेशन हुआ,
उस समय की स्थिति की अगर चर्चा करें तो ब्रिटिश आमदनी का ये समय था इधर, और शाहू महाराज ने जब अपना कारोबार संभाला तो उस समय वो शाहू फुले महाराज से, फुले के विचारों से प्रेरित हुए थे। राजर्षि शाहू महाराज की जयंती पर आज जब हम उनकी नीतियों की बात कर रहे हैं, उनकी उनके जयंती पर उनके कार्यों को जब याद कर रहे हैं, तो छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने जो करना था वो तो उन्होंने किया, ऐसा राजा ना तो होगा और उनके बाद ना तो हुआ है। लेकिन आज हमारी जो जिम्मेदारी थी, हम पर जो जिम्मेदारी थी, क्या हम वो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा पा रहे हैं? उस जिम्मेदारी का ध्यान रखकर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग? इसका जवाब अगर किसी से पूछते हैं तो इसका जवाब नहीं आता है, नकारात्मक जवाब इसका आता है, क्योंकि आज उनकी विचारधारा का हमने बस ढिंढोरा पीटा है, लेकिन उनकी विचारधारा पर हम खुद को ना तो ढाल सके ना तो चल पाए। आज अगर छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज का जो नीति है, उनकी जो नीति है, सबसे ज़्यादा विवादित नीति आरक्षण की रही है। आरक्षण एक ऐसा अधिकार है जो समानता प्रस्थापित करने के लिए छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज ने लाया था, लेकिन आरक्षण एक ऐसा विवाद बन गया है आज के समय पर, हर बात बात पर उस पर विवाद खड़े होते हैं। एक वर्ग है जिसे हम उच्च वर्ग कहते हैं, वो वर्ग हमेशा आरक्षण के विरोध में बोलता है। तो मुझे ये बात आपके सामने जाहिर करने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो नीतियाँ शाहू महाराज ने हमें दी है या जो विचार शाहू महाराज ने हमें दिया है, हम उसके विरोध में आज खड़े हो रहे हैं। आज हमें ये चाहिए था कि उस नीतियों पर अमल करें, उस विचार पर हम चले, उसका आचरण करें, लेकिन हम उसके विरोध में आज खड़े हो रहे हैं। तो ये सरासर छत्रपति शाहू महाराज के साथ, उनके विचारों के साथ, उनके नीतियों के साथ हम धोखा कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी गद्दी संभाली, राज्य कार्यभार संभाला, तो वो पहले उन्होंने देखा कि सामाजिक स्थिति क्या है, कैसी चल रही है, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसी है और इधर का सामाजिक वो जो स्तर है वो कैसा है, वो उसका पूरा उनको उन्होंने अध्ययन किया। वो खाली बैठे नहीं रहे, अपने पूरे संस्थान में घूमते रहे और वो अपने संस्थान का जो ये करना है, मतलब उसको उसका समाचार लेना है, मेरे राजा लोग तो वही करते थे, तो वही करते करते उनको पता चला कि यहाँ पूरा समाज अंधश्रद्धा में बैठा हुआ है, पुरानी बूढ़ी रीति रिवाज पर चलता है, और इसका क्या मतलब है, ये कोई प्रगति नहीं होती, सामाजिक कोई प्रगति नहीं हो सकती, वो इसी कंक्लूजन पे आए थे। अगर ये ऐसा ही रहेगा, ये जाति व्यवस्था या धर्म पर आधारित अगर चलता रहेगा तो ये कोई विकास नहीं होने वाला देश का, तो इस नतीजे पर वो आ गए थे। तो उन्होंने अपने आदेशों में शुरू कर दिया है कि एजुकेशन पहले देना चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, और स्कूल भेजते समय उसको अगर कंपलसरी करते हैं एजुकेशन तो वो करना चाहिए, उस राजा के मुताबिक जो जो करना चाहिए था पिछड़े वर्गों के लिए, ये ग्रामीण और जो खेत मजदूर वाले लोग हैं, तो उनके लिए जो करना चाहिए था उन्होंने बिना वो कोई हिचकिचा नहीं है वो महाराज, और उन्होंने अपने आदेश निकालने शुरू कर दिए। तो आदेशों से लोगों को खाली आदेश नहीं दिया, अगर इसको ये नहीं करते आप, सही ढंग से अमल करते नहीं इनके आदेशों का, तो उसके लिए उसको दंडित करने का भी आदेश उन्होंने किया। तो इस शुरू में तो प्राथमिक एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसके लिए शाहू महाराज ने आदेश निकाल के वो उसको कंपल्शन बना दिया, उसको कर दिया है, और जो भी पेरेंट्स उनके हैं, जो पालक है, अगर नहीं भेजते स्कूल में बच्चों को, तो उनको शिक्षा की तरतूद की उन्होंने। यही तो महाराज की काबिलियत है, तो ये महाराज करते रहे, क्योंकि ये बिना हिचकिचाए, किसी का दड़पण नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं लेते थे, लेकिन ये जो समस्या है वो पूरी तरह से समझते थे। सामाजिक विषमता के बारे में शाहू महाराज बिल्कुल जागरूक थे, उनको पता चला है कि ये वर्ण व्यवस्था है, ये मनुवादी लोग हैं यहाँ के, और उसी के मुताबिक यहाँ का कारोबार चलता है। खुद महाराज इसके बलि थे,
महाराज होकर भी, संस्थान के बड़े राजा होकर भी, जब कोई पूजा अर्चा चलती थी तो महाराज के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया कि जब भी वो नहाने के लिए निकल पड़ते थे तो उनके लिए वेदों मंत्रोच्चार करना होता था। लेकिन वो अचानक ऐसी बात घटी कि उस दिन पुरोहित की चेंज बदली हो गई, और बदली पर आने के बाद एक दूसरे पुरोहित ने महाराज के बारे में वेदोक्त मंत्रोच्चार करने के बजाय वो पुराणोक्त मंत्र उच्चार किया, और उनको पता चला कि ये राजा क्षत्रिय है, और ये राजा क्षत्रिय होने के बाद भी ये राजे गद्दी पे लायक नहीं है, इसलिए उनको यही मंत्र उच्चार होना चाहिए, ऐसे उनको लगता था। वो पुरोहित चाहिए ऐसी इसी में गड़ी हुई थी, तो उनको पता चला कि ये महाराज के समझ में आ गया कि अगर एक राजा को ऐसे ट्रीटमेंट देते, राजा को एक ऐसे बिहेव करते ये लोग, तो मेरे कॉमन जनता के लिए, सामान्य मनुष्य के लिए वो क्या करते होंगे। तो इसी वजह से इनकी तो ये अपनी निजी बात ही, महाराज को अगर इतनी तकलीफ हो सकती है तो कॉमन मासेस के लिए कितनी होगी, इस नतीजे पे वो आ गए थे। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज जो है वो इस महाराज की धरती पर जो उच्च समाज माना जाता था, मराठा समाज, उस समाज से आते हैं, लेकिन उनका अगर सामाजिक परिस्थितियाँ देखें तो वो उच्च वर्णियों के लेवल में है, यानी कि वो उच्च वर्ण ही कहे जाते हैं। लेकिन उनके समाज ने आज भी राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की नीतियों को पूरी तरह से नहीं अपनाया है, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। अगर छत्रपति शाहू महाराज की विचारधारा को पूरी तरह से कोई अगर एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो पिछड़ा अति पिछड़ा महिलाएं और जो वंचित समाज था, जो शोषित समाज था, वो उनकी विचारधारा पर चलने का प्रयास कर रहा है पूरी तरह से, लेकिन जिस समाज में छत्रपति शाहू महाराज जन्मे वो समाज आज तक उनकी विचारधारा को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर मैं जातियों का जिक्र केवल इसी उद्देश्य से कर रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर कर रहा हूँ कि आज हम जातियों को, क्योंकि हमारे देश में जातिवाद है और जातियों को महत्व दिया जाता है, इसीलिए हम जाति पर जब गर्व करते हैं तब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे महापुरुष होते हैं, जो हमारे समाज में जन्मे हैं, जो हमें उन्होंने राह दिखाई है, उन महापुरुषों की विचारधारा को हम अपनाते क्यों नहीं, या फिर उसको अपनाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी होती है, लेकिन इस जिम्मेदारी को हम निभा नहीं पा रहे हैं। शाहू महाराज के विचारधाराओं में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये पहला था उनका एम था कि शिक्षित होना चाहिए, साक्षर बनने चाहिए लोग, लेकिन मराठा समाज भी ऐसे ही पिछड़ा था, एजुकेशन में पिछड़ा था, उनको खेती बाड़ी या कुछ पैसा ये वो थोड़ा धन दौलत से ठीक रहे होंगे, लेकिन एजुकेशनली दे वर मोस्ट बैकवर्ड। ये ऐसा लगता है कि महाराज को ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने महात्मा फुले जी का जो विचार था सत्यशोधक का, उसको वो प्रचलित धारा ये महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में विशेषता लाने की कोशिश की, उसके बारे में जो भी उन्होंने काम किया वो प्रचार करने का, फुले के विचारों का प्रचार करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ का जो मराठा वर्ग है, बहुजन वर्ग है, अभी भी उस जमाने में तो बहुत ही था, लेकिन आज भी मैं ऐसे कह सकता हूँ, कहूँगा कि आज भी वो बाहर नहीं निकले उन विचारों से, लेकिन जो हिंदुओं का धर्म है, जो पगड़ा है उनके ऊपर, उसके बाहर वो अभी तक नहीं निकले। फुले शाहू अंबेडकर ये विचारधारा है, इसको अपना जब तक वो नहीं अपनाएंगे, अगर उस समय तो महाराज कोशिश करते थे कि वो फुले की राह पे चले, समझ ले सत्यशोधक, सत्य धर्म की ओर चले, इन महाराज ने कोशिश की, लेकिन वो उनके बास नहीं आए। तो फिर महाराज ने किया, अपना काम शुरू कर दिया, वो जगत गुरु शंकराचार्य की जो पीठ था उसको निकाल दिया, अपना क्षात्र जगत गुरु का पीठ स्थापन किया, ये बात उनके लिए कर रहे थे, कॉमन मराठा मासेस के लिए वो कर रहे थे। फिर भी उनको अभी जो जितने जल्दी शीघ्र ही वो उनको अपने परिवर्तन करना ही चाहता, नहीं हो पाया। तो ये महाराज ने तो अपने प्रयत्न किए, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयत्न किए हैं,
जितने भी पुरोहित थे, जो भी मिनिस्ट्री कॉमन का इनकी अपनी मिनिस्ट्री थी, सरकार दरबार में जो बड़े बड़े पद थे, जो जगह थी, प्लेसेस थी जहाँ काम करने के बड़े अफसरों को, तो उन्होंने उनको जब निकाल दिया उन्होंने, और मराठा बहुजन समाज के लोगों को स्थान दिया। ये काम तो भी कोई भी नहीं कर सकता ना। ये राजा जो राजा थे, आधुनिक विचार के राजा थे, मॉडर्न थिंकिंग थिंकर थे वो, तो उन्होंने तो ये काम किया, ज़रूर काम किया मराठा लोगों के लिए। लेकिन आपका जो कहना है कि आप जो लोग मानते हैं कि मराठा समाज में परिवर्तन नहीं हुआ, तो होने की ज़रूरत बहुत जल्दी है। वो संविधान की ओर चलने चाहिए, उन लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना अपनाना चाहिए। ये लोग तो अभी इसके पद पर चलने की कोशिश करेंगे बाद में। 1950 से जब अपना संविधान लागू हो गया, और उस संविधान की तरफ अगर देखते हैं, तो मैं इतना खुश हूँ कि जैसे ही संविधान की निर्मिति और संविधान का अमल देश में शुरू हुआ, तो पुराने पूरे 2-2.5 हज़ार साल की जो परंपराएं थी वो खंडित हो गई। यहाँ की धर्म अपने जगह में जाके बैठा, राजनीति अपने जगह में आई, और जैसे जैसे वो संविधान का प्रभाव पड़ता रहा तो उसका असर इस देश में हुआ। लेकिन शाहू महाराज के बारे में अगर जब बात करते हैं आप, कि शाहू महाराज के विचारों पे ये लोग चलते हैं क्या, देश चलता है क्या, आज का शासन चलती है क्या, तो मेरे ख्याल से आप शाहू महाराज और संविधान को, संविधानिक जो विचार है उसको अलग नहीं कर सकते। पूरे जो 50 साल पहले पिछले 50 साल कॉन्स्टिट्यूशन का काम हुआ है देश में, तो देश पूरा प्रगत हुआ है, देश वैचारिक दृष्टि से वो आगे बढ़ा है। लेकिन अभी थोड़ा ये अभी रिसेंट जो समय है उसमें थोड़ी अलग सी बातें चल रही है देश में। धर्म का अब बड़प्पन शुरू हो गया है, धर्म के मुताबिक काम करने की बातें चल रही है। हिंदू धर्म विशेषता है, हिंदू धर्म जब कोई लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र ये होना चाहिए, तब की कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता। हिंदू राष्ट्र या कोई धर्म पे आधारित कोई राष्ट्र की निर्मिति का कोई कॉन्स्टिट्यूशन अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती। ये देश सबके लिए है, लोकतंत्र पे आधारित है, और शाहू महाराज ये बड़े लोकतंत्र के ये पुरस्कर्ते थे, जिनको खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था, शाहू महाराज को नाम लेकर, शाहू महाराज का नाम पुकार के बोला था कि शाहू क्या है, ही इज़ दी पिलर ऑफ दी सोशल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र के वो आधार स्तंभ है, ऐसे बाबा साहब ने खुद बोला था। और इसका असर उन्होंने संविधान में भी लाया था, और उसके मुताबिक जब काम चल रहा है देश का, तो मैं समाधान व्यक्त करता हूँ इसके बारे में। लेकिन आजकल थोड़ा बदलाव आ गया है, जो बदलाव है वो सबको चिंता की ओर बढ़ाता है, सबकी चिंता बढ़ाता है। ये जो क्या है, राजनीति में जब धर्म का प्रवेश हो गया है, धर्म का प्राबल्य बढ़ाने की कोशिश चल रही है, जो अत्याचार बढ़ने की जो समाचार आते हैं उसके मुताबिक ऐसा होता चलता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर संविधान पे निर्भर होते हैं लोग हमारे देश के, संवैधानिक नीतिमत्ता के ऊपर भर निर्भरित होते हैं, राजकीय नीतिमत्ता का अवलंब करते हैं, तो निश्चित मैं कहूँगा कि एक अच्छी बात है। लेकिन आज ये तो हुआ है, संविधान का ज्ञान, संविधान की जो रचना है वो कॉमन मासेस तक जाके पहुंची है, लेकिन आज जो अड़सर तैयार हो रहे हैं वो चिंताजनक है। तो दोस्तों, आज कोल्हापुर शहर के जितने भी अभ्यासक थे, जिन्होंने छत्रपति शाहू महाराज को पढ़ा है, या छत्रपति शाहू महाराज के कार्यों को, वो कार्यों का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको हमने आपके सामने उनके विचारों को रखने का प्रयास किया। उन्होंने जितना भी पढ़ा है या जितना भी अध्ययन किया है छत्रपति शाहू महाराज के ऊपर, वो अपने ज्ञान को आपके सामने रख रहे हैं। और इसके पीछे उद्देश्य बस यही था कि छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के अवसर पर उनके कार्यों से जो दर्शक है वो अवगत हो।
और उनके कार्य जब हमें पता चलेंगे और उनका कार्य जब हम जानेंगे तो उस कार्यों पर चलने का भी हम प्रयास करेंगे। केवल जयंती मनाना यही महापुरुषों को अभिवादन नहीं होता है, जयंती तो मनानी ही चाहिए, लेकिन उनके विचारों पर हमने अमल ज़रूर करना चाहिए, उनके विचारों पर हमने चलना चाहिए। इस सभी विचारधारा का जो आकलन है, वो आकलन अगर हमें हो गया तो हम ज़रूर उसका अनुसरण करेंगे और अपने आचरण में उसको लाने की कोशिश करेंगे। यही संदेश इन लोगों ने दिया है। यहाँ मैं थोड़ा सा दोहराना चाहती हूँ शाहू महाराज के उस कानून के संदर्भ में। महाराज ने विधवा पुनर्विवाह कायदा, अंतरजातीय विवाह कानून, महिलाओं के लिए तलाक घटस्फोट का कायदा और काड़ी मोड़, ये एक कायदा किया था जिसमें महिलाओं के स्थिति में बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। और शिक्षा के लिए महाराज ने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, तो मुझे लगता है कि वो महिलाओं की स्थिति बदलने वाले एक क्रांतिकारी महामानव थे, हाँ, और एक सेंसिटिव व्यक्ति थे। और सबसे मुझे ऐसा लगता है कि शाहू महाराज एक अच्छे इंसान थे, और इंसान में के जो पूरे गुणधर्म है, गुण है, वो शाहू महाराज में सीमित थे। तो शाहू महाराज ने जो कुछ भी किया है उनके वो संघर्ष के काल में, और सबका दलित पीड़ित महिला या जो जनजाति है उनके स्थिति में सुधार लाने के लिए जो प्रयत्न किए हैं, उस प्रयत्न को हमने इम्प्लीमेंट करना है, हमें संगठित रहना है और अपने अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ प्रयत्न करना है। और उन्होंने जो कुछ हमें संदेश दिया है, जो शिक्षा के बारे में हो, जो कुछ कानून के बारे में हो, जो समाज के एक संगठन के बारे में हो, तो वो सब हमें एक होकर करना है। शाहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर मैं सभी हमारे बहुजन समाज के जो बांधव हैं उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कई महापुरुषों के जो स्मृति दिन है या जन्मदिन है, वो दिन हमारे खुद के परीक्षण को, मतलब अवलोकन के या आत्म परीक्षण जिसे हम कहते हैं, वो दिन है ऐसा मुझे लगता है। महापुरुषों का जो काम है, उनका जीवन का एक उद्देश्य था, उनको समानता, इक्वालिटी, जस्टिस, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर आधारित ऐसी समाज व्यवस्था का उनका एक सपना था। ये सपना पूरा हो गया है क्या, ये प्रश्न चिन्ह है। और ये हमको ये देखना है कि ये अगर हमने हासिल नहीं किया है तो ये हासिल करना ज़रूरी है। और ये दिन है, इस दिन पर हम खुद का ही मतलब परीक्षण करें, एनालिसिस करें कि हम लोग सही तरीके से जो हम दिशा निर्देश हमारे महापुरुषों ने किया था उस पर हम सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और अगर हम नहीं चल रहे हैं तो सही तरीके से इस मार्ग पर मार्गक्रमण कैसे करना चाहिए, ये जानने के लिए, ये हमारी सोच विकसित करने के लिए, हमारी जो कमजोरियां है वो कमजोरियां पर हम मात करके आगे चलने के लिए ये दिन है ऐसा मुझे लगता है। और सभी लोगों ने इन महापुरुषों, अभी जयंती जो आती है, सभी महापुरुषों के जो जन्मदिन आते हैं, तो एक दिन उनका हम लोग मतलब उनका नाम लेके थोड़ा सा सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या काम किया है और वो किस तरीके का काम हमसे भी, मतलब ये उन्होंने जो काम किया वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो अधूरा काम हम पर सौंपा गया है वो काम पूरा करना, ये हमारी जिम्मेदारी समझना, ये मुझे अहम लगता है, बहुत महत्वपूर्ण लगता है। और इस जयंती के अवसर पर मैं शाहू जी महाराज को नमन करती हूँ, उनके कार्य को विनम्र अभिवादन करती हूँ और सभी बहुजन भाई बहनों को बधाई देके रुकती हूँ। शाहू महाराजांना जे अनेक छंद होते, शाहू महाराजांनी कोल्हापूर कलापूर केलं खऱ्या अर्थानं, म्हणजे पायातल्या कोल्हापुरी चप्पलपासून ते डोक्यातल्या कोल्हापुरी फेट्यापर्यंत
हे सारं जे श्रेय आहे ते कोल्हापूर घडवण्याचं काम शाहू महाराजांनी केलं. रिपीट करूया जरा, तो आवाज आला असेल ना तिकडचा. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांना जे अनेक छंद होते त्यापैकी शिकारीचा छंद, कुस्तीचा छंद हा हे त्यांचे आवडते छंद होते. आणि शाहू महाराजांनी देवाची मंदिरं बांधली नाहीत तर वसतिगृह उभी केली, ज्ञानाची मंदिरं एका अर्थानं उभी केली. जे काम पुढं गाडगेबाबा आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील या मंडळींनी जे केलं ते शाहू महाराजांनी फुल्यांच्या नंतर करून दाखवलं. कुस्तीची पंढरी म्हणून ज्या शाहू महाराजांनी कोल्हापूरची ओळख निर्माण केली, अगदी देशभरातले सगळे पैलवान हे कोल्हापूरला त्या काळात खेळायला यायचे. स्वतः शाहू महाराज चार चार पैलवानांच्या सोबत पहाटेच्या वेळेला कुस्त्या खेळत असायचे, रंकाळा तलावात पोहत असायचे तास दोन तास. अशा पद्धतीचा व्यायाम करणारे, सुपाया एवढ्या काळजाचा, आबाळा एवढ्या मायेचा आणि बहुजनांचा माय बाप असलेला असा हा शाहू राजा. खऱ्या अर्थानं या शाहू महाराजांनी या कुस्तीला एक राजाश्रय मिळवून दिला आणि त्या कुस्तीच्या माध्यमातून अस्पृश्योद्धाराचं काम कसं केलं त्याचं एक उदाहरण मी सांगू शकतो. म्हणजे 100 वर्षापूर्वीचा काळ आहे शाहू महाराजांचा, सावलीचा विटाळ मांडण्याचा काळ आहे, पाण्याला स्पर्श करण्याचा वेळ आहे आणि दलिताला गळा भेट घेण्याचं कसं शक्य आहे, पण शाहू महाराजांनी ते करून दाखवलं कोल्हापूर संस्थानामध्ये. त्याचं झालं असं की शाहू महाराजांनी कोल्हापूर या संस्थानामध्ये गावोगावी, खेड्यापाड्यात, वाड्यावस्तीत आणि शहरामध्ये, विशेषतः कोल्हापूर शहरामध्ये प्रत्येक म्हणजे राजारामपुरी, लक्ष्मीपुरी, शाहूपुरी यासारख्या परिसरामध्ये तालमी स्थापन केल्या आणि माझ्या संस्थानातल्या प्रत्येक तरुणाचं शरीर हे निरोगी सशक्त असं राहिलं पाहिजे, कारण ही राष्ट्राची संपत्ती असं ते मानत होते. या तालमीतून आणि कुस्तीच्या छंदातून त्यांनी अस्पृश्यता निर्मूलन कसं केलं त्याचं उदाहरण असं की कुस्ती खेळण्यासाठी म्हणून पाण्याला स्पर्श करायची जिथं बंदी आहे, माणसाच्या सावलीला चा विटाळ जिथं होतो तिथं शाहू महाराजांनी सांकेतिक नावं मांगणार समाजाला दिली आणि ती इतरांना कळू न देता सवर्ण आणि दलित यांच्यामध्ये कुस्त्या खेळण्याचं एक गनिमिकावा शाहू महाराजांनी यशस्वी केला. मला आपल्याला सांगायला आवडेल की महार समाजासाठी, महार समाजातला जो पैलवान आहे त्याला शाहू महाराजांनी जाट पैलवान असं नाव दिलं. आणि मग कुस्ती खेळायला येताना जाट पैलवानांना घेऊन या आणि मग हा इकडचा पैलवान सवर्ण समाजातला, आणि त्याला कळायचं नाही हा जाट पैलवान कोण आहे. आणि त्यांची कुस्ती म्हणजे सावलीचा विटाळ ज्या काळात होत होता, पाण्याला स्पर्श करू दिलं जात नव्हतं, त्या काळात शाहू महाराज त्यांना शरीराला शरीर भिडवू देत होते, गळाभेट घडवू देत होते आणि मातीत आपण मातीमोल होणार आहोत शेवटी हा मानवी देह, तर जात आणि धर्माचा अहंकार कशाला बाळगायचा, म्हणून जाट पैलवानाची कुस्ती घडवून आणायचे म्हणजे महार पैलवानाची. चांभार किंवा चर्मकार समाजातल्या पैलवानाला त्यांनी सरदार हे नाव दिलेलं, म्हणजे सरदार पैलवानाला घेऊन या असा ते आदेश द्यायचे. इतरांना वाटायचं सरदार पैलवान आहे हा खूप चांगला आहे पैलवान, आणि भंगी जो समाज आहे, मेहतड ज्याला समाज म्हणतो आपण, त्या भंगी समाजातल्या पैलवानाला शाहू महाराजांनी पंडित असं नाव दिलेलं होतं. म्हणजे जाट पैलवान, सरदार पैलवान आणि पंडित पैलवान अशी नावं देऊन या मांग, महार, चांभार आणि भंगी समाजातल्या पैलवानांना कुस्तीच्या मैदानात उतरवून सवर्णांशी कुस्त्या, अगदी पंजाबी पैलवानांच्यापर्यंतच्या कुस्त्या शाहू महाराजांनी घडवून आणल्या. तो प्रघात त्यांनी सुरू केला यांना सरदार पंडित म्हणण्याचा, जाट पैलवान म्हणण्याचा, आणि जातीभेदाला मुठमाती ही कुस्तीच्या माध्यमातून त्यांनी दिली. आज आपण पाहतो की मंदिर मस्जिदवरून वाद करून माणसामाणसामध्ये द्वेष पसरवणारी काही मंडळी आहेत, मस्जिद पाडून राजकारण करू पाहणारी मंडळी आहेत. शाहू महाराज अशापैकी नव्हते, महात्मा फुले तसे नव्हते आणि बाबासाहेब तर नव्हतेच नव्हते. महात्मा फुलेंनी तर महम्मद पैगंबरांच्यावर भला मोठा क्रांतिकारक असा पोवाडा लिहून महम्मद पैगंबरांचं गुणगान केलेला.
शाहू महाराज हे महात्मा फुलेंचेच अनुयायी आहेत. शाहू महाराजांनी कोल्हापुरातल्या कसबा बावडा या ठिकाणी मुस्लिम बांधवांच्यासाठी मस्जिद उभारायला त्या काळात जागा दिली, पैसा दिला राजदरबारातून आणि मस्जिद उभी केली. मला वाटतं हे देशासाठी एक आत्ताचं जे वातावरण आपल्याला दिसतं की मुस्लिम म्हटलं की आतंकवादी आणि दलित म्हटलं की नक्षलवादी अशीची एक प्रतिमा तयार करण्याचं काम देशभर चालू आहे. आणि राष्ट्रनिष्ठ फक्त आम्हीच आहोत असं जे काही वातावरण आहे त्या सगळ्या काळामध्ये शाहू महाराजांचं जयंती साजरी करत असताना शाहू महाराजांनी स्वतःच्या संस्थानात मस्जिद उभी करण्यासाठी मुस्लिम बांधवांना जे अर्थसहाय्य केलं, अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी म्हणून शाहू महाराजांनी जे काही अनेक प्रयत्न केले त्यातला आणखीन एक महत्त्वाचा प्रयत्न तो असा की जो त्या काळातला शूद्र अतिशूद्र चांडाळ अशा समाजातला जो माणूस आहे त्याला मान सन्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणं, त्याच्यात स्वत्व स्वाभिमान आणि स्वातंत्र्याची ज्वाला पेरणं हे काम शाहू महाराजांनी केलं. मातंग समाजातला तू का गणेशाचार्य नावाचा एक माणूस शाहू महाराजांच्या काळात होता. मातंग समाजातील त्याचं बोलणं चुनचुनीत होतं, चाणाक्ष बुद्धी होती, कुशाग्र बुद्धी आणि चाणाक्ष वृत्ती अशांचा संगम असलेला हा तुका गणेशाचार्य. शाहू महाराजांनी या मातंग समाजातल्या माणसाचे गुण हेरले आणि त्याला वकिलीची सनद 100 वर्षापूर्वी शाहू महाराजांनी अधिकृतरित्या देऊ केली. शाहू महाराजांच्या प्रेमाखातर आग्रहाखातर अस्पृश्यता निर्मूलनाचा एक प्रयोग म्हणून शाहू महाराजांनी जरी त्याला वकील बनवलं पण त्याची वकिली चालणार कशी, सवर्ण समाजातले लोक त्याच्याकडे जात नव्हते. पण असे लोक शाहू महाराजांच्याकडे ज्या वेळेला खटले घेऊन यायचे त्यावेळेला शाहू महाराजांनी स्वतः तुका गणेशाचार्याकडं त्या लोकांना पाठवून दिलं. याचाच अर्थ असा की वकिलीसाठीची खटलेसुद्धा शाहू महाराजांनी तुका गणेशाचार्यांना पोहोचवले. जसं अभ्यंकर वकिलांना शाहू महाराजांनी मदत केली तशी तुका गणेशाचार्यांनासुद्धा केली. आणि केवळ एक एक व्यक्ती नव्हे तर मातंग समाजाला राजारामपुरी परिसरात जवळजवळ 101 एकर परिसर मातंग समाजाची वसाहतच शाहू महाराजांनी शाहू मिलच्या शेजारी वसवली. हा गोरगरीब समाज माझ्या निदर्शनास पडावा, माझ्या देखरेखीखाली राहावा, त्याचा छळ होऊ नये आणि कावळा नाका म्हणून जो परिसर आहे तिथं माकडवाला कुंचकुर्वी असा समाज शाहू महाराजांनी वसवला. मातंग समाजाला इथं स्थान दिलं. अशा पद्धतीनं जाती निर्मूलनाचं काम शाहू महाराजांनी हे आपापल्या परीनं करून सर्वसामान्य माणूस जो सनातनी दृष्टिकोनातून मनुवादी विचारसरणीतून जो तुच्छ आहे ज्याला कसलीही काडी मात्र किंमत नाही त्याला स्वत्व स्वाभिमानाने स्वातंत्र्य देण्याचं काम हे शाहू महाराजांनी अशा विविध उपक्रमातून केलं. आणि अस्पृश्यता निर्मूलन हे खऱ्या अर्थानं करून दाखवलं. अस्पृश्यतेचा कर्दनकाळ, अंधश्रद्धेचा कर्दनकाळ, विषमतेचा कर्दनकाळ त्याचं दुसरं नाव राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज असतील आणि इतर सगळे बुद्ध फुले शाहू आंबेडकर हे सगळे आपले महापुरुष असतील, या सर्व महापुरुषांच्या स्वप्नातला समाज, समताधिष्ठित समाज, जातविहीन वर्गविहीन असा समताधिष्ठित समाज निर्माण व्हावा याच्यासाठी आपण साऱ्या महापुरुषांच्या अनुयायांनी त्यांच्या जयंती दिवशीच नव्हे तर प्रत्येक श्वासागणीस धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही गणराज्य पद्धती अशी ह्या संविधानाला केंद्रीभूत ठेवून सामान्य माणसाचं हित, माणूस माणुसकी आणि मानवतावाद ही आपल्या जीवनाची त्रिसूत्री साधून आपण कार्य करायला हवं. आपल्या बहुजन समाजातल्या तरुणांनी विशेषतः आपल्या आयुष्यातील वेळ, बुद्धी, पैसा, कौशल्य हे बहुजन हित आहे, बहुजन सुख आहे आणि लोकानुकंप आहे, हे बहुजन उद्धारासाठी खर्च करावं. पे बॅक टू सोसायटी ज्याला म्हणतो, समाजाचं आपण देणे करी लागतो ते कर्तव्य पार पाडावं, हीच खरी महापुरुषांना त्यांची जयंती साजरी करणं,
त्यांच्या विचारांचं आचरण कृतिशिल्पने करणं हा संदेश मी या निमित्तानं देऊ इच्छितो. आणि लॉर्ड बुद्धा या चॅनेलचे आणि आपल्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि राजर्षी शाहूंच्या जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय. ये बहुत ही अच्छी बात है, जिस राजा के बारे में बात करते हैं वो राजा सिंपल सादे महाराज नहीं थे. उसको जो राजा थे उन वो राजा के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये शाहू राजा के बारे में, कि राजाओं में वो इंसान थे, राजाओं में वो इंसान थे और इंसानों में कॉमन सामान्य इंसानों में वो राजा थे. इस ही राजा के बारे में कहा जाता है. यही अगर संज्ञा लोग ध्यान में रखेंगे, जो शाहू महाराज की दूरदृष्टि थी, उनका जो विचार था वो विचार ऐसा था कि जो अपने वंचित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो निचले क्लास में अभी भी है, तो उनको ऊपर उठाना है और उनके हाथ में जो भी राजकीय और सामाजिक जो प्रिविलेजेस है, जब तक वो रूलिंग नहीं होते, उनके हाथ में रूलिंग पावर नहीं आती, तब तक ये ऐसा कुछ काम नहीं होने वाला है. ये शाहू महाराज और बाबा साहब दोनों का एक ही विचार था, इसका असर होना चाहिए. सब तरुण जो है युवा पीढ़ी है, वो पीढ़ियों ने अपनाना चाहिए. समानता है, स्वातंत्र्य है, बंधुभाव है, भाईचारा है. तो इसके बारे में शाहू महाराज ने जो नीतियाँ अपनाई थी वो इस संस्थान में उसका संस्कार हुआ है, लोगों पे जरूर हुआ है. बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हुए हैं, आए हुए, जो भी क्रांति का कुछ काम बनता है तो कोल्हापुर से शुरुआत होती है. ये शाहू महाराज का ये श्रेय सब शाहू महाराज को ही जाता है. तो मैं युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि जब तक ये अपना संविधान है भारत देश का, संविधान की जो धारा है, संविधान का जो तत्वज्ञान है, सामान्य लोगों के लिए जो बोला है बाबा साहब ने, भी जो लिखा है कि शाहू जब जैसे वैज्ञानिक थे, वो विज्ञानिस्ट थे, वैसे ही अपने संविधान में जो विचार आया है, तो लोग क्या बनना चाहिए, लोग कैसे होना चाहिए, तो लोगों के बारे में शाहू राजा जो कहते थे वो भारत के संविधान में आए. संविधान ये कहता है कि एक वो ये थोड़ा सा इंग्लिश में है, एक मैं वाक्य बता सकता हूँ आपको. इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लाइजेस टू ऑल इट्स सिटीजन्स टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स. तो ये बात है, वैज्ञानिक दृष्टि आनी चाहिए, लोग विकसित होने की कोशिश करने चाहिए. जो भी कोई अंधश्रद्धा या अपनी जो विषमता पर निर्धारित तत्वज्ञान है उसको त्याग करना चाहिए. और शाहू महाराज की जो शैक्षणिक पॉलिसी थी, एजुकेशन जो उनका रिफॉर्म था, सामाजिक सुधारवादी का जो रिफॉर्म था, उसको अपनाना चाहिए. तो दोस्तों, आज छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज जयंती के अवसर पर ये थी हमारी खास पेशकश, जो कोल्हापुर से हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया. कोल्हापुर के जो विद्वान है, जो अभ्यासक है, जिन्होंने छत्रपति शाहू महाराज को पढ़ा है या अध्ययन किया है, उनकी प्रतिक्रिया को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया. इसके पीछे उद्देश्य बस यही था कि छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज के जो कार्य हैं, उनका जो जीवन है, वो आपके सामने आए और उस जीवन को आप भलीभांति जानें, उस संघर्ष को आप भलीभांति जानें, उस विचारधारा को आप भलीभांति जानें. आज हमने छोटा सा प्रयास किया है कि छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज के जीवन काल में जितनी भी घटनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो सारी घटनाएं आपके सामने रखी जाए. ये एक छोटा सा हमारा प्रयास था. लॉर्ड बुद्धा टीवी हमेशा जितने भी बहुजन संत महापुरुष हैं उनकी विचारधारा से आपको अवगत कराती है और करती रहेगी. आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मौके पर. तब तक के लिए जय भीम, नव बुद्धा.